वेलिडेसन ऑफ कस्टमर्स रिस्पॉन्स जो uh, हमने अपने इनिशियल स्टेज़ uh, में और कस्टमर सेगमेंट सेलेक्शन में एज्यूम किया है वो हमने देखा कि सिर्फ जम्पन uh, तक काम नहीं चलता बल्कि उसकी वेलिडेषन बड़ी ज़रूरी है हेयर वी सी दैट वी हैव डन ऑलरेडी सटन सेगमेंटेशन

बट लीस्ट अफेक्टेड बाय द ड्रॉबैक्स ऑफ द अर्ली टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट तो ये हमने डिस्कस किया था कि जो सेगमेंट हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो ना सिर्फ ये कि वो इंथ्यूजिक हो उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के लिए बल्कि अगर उसके कोई इनिशियल ड्रॉबैक्स हैं तो उसको भी वो फॉरगो करने के लिए तैयार हो अब इसके साथ साथ जब आप उसको ले चलते हैं तो वो और भी सेगमेंट इवॉल्व होने हैं जैसे कि हमने और उसकी डिजिटल कैमरे की मिसाल में देखा कि वो प्रोडक्ट में एक इनिशियल सेगमेंट होता है फिर उसमें और भी सेगमेंट जो हैं वो वॉल होते चलते जाते हैं जो कि इस सेगमेंट को बड़ा करते रहते हैं इसके साथ साथ एक और काम जो चल रहा है वो है बेनिफिट्स ऑफ न्यू एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी और आपके साथ अगर आपसे रिलेटेड कोई और टेक्नोलॉजीज़ भी इवॉल्व हो रही हैं जैसे देखें ना डिजिटल कैमरा जो एक था और उसके साथ फिर फ़ोन आ गया फ़ोन के साथ फिर ये फोन के जो डिफरेंट वेरिएंट्स uh, आ गए और चलता चलता फ़ोन जो है वो स्मार्टफोन बन गया तो दैट वाज एवोल्यूशन कमिंग ऑन ऑन द रिलेटेड टेक्नोलॉजी इसी तरह जो नए कस्टमर सेगमेंट ऐड हो रहे हैं वो एवोलविंग कस्टमर सेगमेंट्स हैं जो कि अल्टीमेटली आपके जो मतलूबा सेगमेंट है उसको आ, बड़ा करते चले जाएंगे और साथ साथ टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन के ज़रिए सेंथिस ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजीज़ जो है वो भी पॉसिबल होती रहती है देर बाय इट इम्पेक्ट्स द चॉइस ऑफ फर्स्ट टारगेट सेगमेंट ये सारे जो मामले को आप सर्च करते करते अपनी जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी है और अवेलेबल पॉसिबल यूटिलाइजेशन एंड एप्लीकेशन है उसको मद्देनज़र रख के आप अपना पहला टारगेट सेगमेंट सेलेक्ट करते हैं फिर उसको अपनी जो पोजीशनिंग स्टेटमेंट है उसके साथ उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं एंड द फर्म व्हिच इज वाइल पोजीशनिंग फर्म कॉम्पिटेंसीज एंड कस्टमर वैल्यू ऑब्जेक्टिव्स इसको मद्देनजर रखते हुए अपनी पोजीशनिंग स्टेटमेंट जो स्टार्टअप है या जो एंटरप्रेन्योर है वो डेवलप करता है और ये काम जो है ये सुपरफिशली नहीं होता बल्कि रिसर्च बेस्ड होता है और फिर इसके ऊपर बेस करके आप कोई प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं और फिर ये जो पॉसिबल आपका जो सेगमेंट है जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है इस पर्टिकुलर टारगेट सेगमेंट में वो प्रोटोटाइप जो है वो पेश करते हैं और वैलिडेशन करते हैं उन जमशनस की जो कि आपने इस पर्टिकुलर टारगेट सेगमेंट से उम्मीद की हुई है और फिर अगर उस आप फीडबैक से मुतलका अगर आपको कोई प्रोडक्ट दोबारा डेवलप करनी पड़ती है एप्लीकेशन इम्प्रूव करनी पड़ती है तो हम फिर वो करते हैं और फिर दोबारा इसकी वैलिडेशन करते हैं सो दिस पर्टिकुलर एलिमेंट ऑफ वैलिडेशन एंड एट्रेशन दैट कीप्स गोइंग ऑन एंड दैट्स ए कंटिन्यूज प्रोसेस थ्रू विच यू

उसका जो प्रोडक्ट का जो पर्पस है जो उसका ऑब्जेक्टिव है वही चेंज कर दें आपको ऐसी फ़ीडबैक मिले कि आप उसको रिपर्पज़ करने पे तैयार हो जाए ये भी समटाइम्स हो जाता है इटोशन के दौरान तो अर्ली फीडबैक कैन प्रिवेंट अननेसेसरी मिस्टेक्स एंड इन्वेस्टमेंट्स जितना जल्दी आप प्रोटोटाइप ले आएंगे और उसके ऊपर फीडबैक लाएंगे उतनी आपको आसानी से उसके ऊपर रिस्पॉन्स मिल जाएगा और आप बहुत सारी गलतियाँ करने से और बहुत से पैसे जया करने से बच जाएंगे वंस फीडबैक इज पॉजिटिव एंड इनिशियल कनेक्शन हैज बीन एस्टेब्लिश एंड अटेंशन में शिफ्ट टूवर्ड्स फर्दर वैलिडेशन विद अदर कस्टमर्स फ्राम टारगेट सेगमेंट फिर और भी जो कस्टमर्स जो हैं उसमें ऐड होते चले जाएंगे तो इफ दीज रिजल्ट आर पॉजिटिव टू

उसके स्ट्रेटजिक यूजेज uh, के ऊपर काम करते हैं अपने जो टारगेट सेगमेंट को uh, और अपने कस्टमर्स को सामने रखते हैं और प्रॉपर जो सेल्स प्रोसीजर है उसको शुरू करते हैं सो विद लिमिटेड मार्केटिंग एंड सेल स्टाफ एंड स्मॉल बजट्स फॉर एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग द एंट्रपन्योर नीड्स मैक्सिमम क्रिएटिविटी टू क्रिएट कस्टमर अवेयरनेस एंड पॉजिटिव कस्टमर एसोसिएशन एट अर्ली स्टेज़ ऑफ द स्टार्टअप ये आ, एक एडिशनल मार्किटिंग चैलेंज भी होता है क्योंकि उसके पास लिमिटेड रिसोर्स होते हैं और टेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशन तैयार होती है तो वो ये चाहता है कि थोड़े वक्त में ऐसे क्रिएटिव वे इस्तेमाल किए जाएँ प्रमोशन के कि जो जितना भी मेरा सेगमेंट है कस्टमर्स का उन तक मेरा पैगाम चला जाए और उनको मैं जल्दी मोटिवेट कर सकूं और इन्फॉर्म कर सकूं रिगार्डिंग अडॉप्टिंग दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन विच इज़ इन हैंड